आज राजौरी में राजौरी कॉलेज के स्टूडेंट्स जो है वो सड़कों के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। आखिर क्या क्या कुछ मामलात हैं उसके ऊपर जो है वो बात करेंगे कि कॉलेज के स्टूडेंट्स को जो है वो एहतजाज करने पे क्यों है, क्यों मजबूर होना पड़ रहा है, मुतालबात क्या है, आपको क्या मुतालबा है? कॉलेज के स्टूडेंट जो है वो सड़कों के ऊपर, आप तो पढ़ाई का वक्त है, क्या वजह है? पढ़ाई का भी वक्फ है और हमें ही इस चीज़ का नुकसान है। अगर देखा जाए तो तालबे इल्म के ऊपर सबसे ये गंदा असर पड़ रहा है। कौन सा इस, ये जो एसटी हमारी, जो हमारा एसटी का दर्जा किसी पहाड़ी भाइयों को भी दिया जा रहा है, हम नहीं कहते कि उनको नहीं दिया जाए, उनको दिया जाए, उनकी जो पीएससी है वो बढ़ाया जाए, ना कि हमारा हक छीन के दिया जाए, क्योंकि ये हमारे भी नुकसान, हमारा नुकसान है, ये ना हमारे बड़ों का कोई नुकसान है ना किसी, ये हमारे क्या गलत की तालीम। सर मैं आपको बताना चाहूँगा, आज हम पीजी कॉलेज राजौरी से एसटी डिल्यूशन को लेकर एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक पैदल मार्च कर रहे हैं। इसका पूरा जो तरीका ये है कि इसका जो ये पहाड़ी भाइयों को इसके बीच में शामिल करने की बात की जा रही है, हम किसी का खिलाफ नहीं है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, पहाड़ी भाई को आप 10% दो, 20 दो, 50 दो, लेकिन हमारी सीधी बात यह है कि हमारे स्टेटस के साथ कोई छेड़खानी ना की जाए, क्योंकि पहाड़ियों को ये ट्राइब बता रहे हैं जो कि पहाड़ी ट्राइब नहीं है। हम ये नहीं कहते कि हमारी ये कैटेगरी है, हमारी कैटेगरी नहीं है, हमारा स्टेटस है, ये हमारी पहचान है, हमारी पहचान के साथ छेड़खानी ना की जाए। आप सड़कों के ऊपर आए, मजबूर कौन कर रहा है? हमें गवर्नमेंट मजबूर कर रही है, जो हालिया गवर्नमेंट है हमें मजबूर कर रही है सड़कों पे उतरने की। अभी हमें क्लासरूम के अंदर पढ़ाई करनी चाहिए थी, जबकि ये गवर्नमेंट हमें मजबूर कर रही है कि हम सड़कों पर उतरें, हमारे हक के साथ इस तरह की छेड़खानी की जा रही है। ये हालिया गवर्नमेंट की सबसे बड़ी नकार कोशिश कहूंगा मैं इसको। चलिए, ये बड़ी खबर इस वक्त थी कि कॉलेज के लोग जो है, कॉलेज के बच्चे जो है वो इस वक्त सड़कों के ऊपर उतर चुके हैं, एहतजाज जो है वो कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ भी जो है वो नारेबाजी। वहीं जो जीडी कमीशन, जीडी शर्मा की कमीशन रिपोर्ट है, उसके खिलाफ भी जो है वो नारेबाजी की जा रही है, क्या मामला है? देखिए, आज हम सारे कॉलेज के स्टूडेंट आज यहाँ पे निकले हैं रोडों पे, हमें गवर्नमेंट ने आज मजबूर कर दिया है कि आज हम खुद आके गवर्नमेंट के खिलाफ यहाँ पे खड़े हो जाएं, क्योंकि उन्होंने हमें मजबूर कर दिया है। आज हमारा पढ़ने का टाइम, इतना हम इतना कीमती वक्त छोड़ के आज हमें रोडों पे उतरने पर गवर्नमेंट ने, सरकार ने हमें मजबूर कर दिया है। देखिए कि जैसे कि ये एसटी को, एसटी के बीच में ये पहाड़ियों को बीच में ऐड करने जा रहे हैं, जो जिन्होंने आज तक 707 तक यहाँ पे हुकूमत की है, राजौरी के अंदर उनका बादशाह ही रही है, और आज हम वो एलीट क्लास के लोग, आज हम लोग हमारे साथ ये सब गलत किया जा रहा है। जी डी शर्मा कमीशन रोल बैक, हम उसको ये चैलेंज करते हैं कि प्लीज़ एसटी के साथ छेड़छाड़ बंद की जाए। और बहुत शुक्रिया, ये थे हमारे साथ कॉलेज के स्टूडेंट, जहाँ पे लगातार पैदल चलो मार्च जो है वो चल रहा है, और ये लोग उसी मार्च को जो है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट जो है वो करने जा रहे हैं। ये आप इस वक्त जो पैदल चलो मार्च चल रहा है, पिछले 16 रोज से, आज 16 रोज हो गए हैं, तो क्या आप उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं? हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारा पैदल मार्च हो रहा है, हमें गवर्नमेंट ने, जो हमारी सरकार है उसने हमें रोडों पे ला दिया। हमारे एग्जाम है, अभी हमारा सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, और हमारे ये बच्चे जो देखो, जो जो हमारे साथ पूरी गैदरिंग है कॉलेज के स्टूडेंटों की, ये बच्चे आज मजबूर हो चुके हैं बच्चे रोडों के ऊपर आने के लिए, किस लिए? अपने हक के लिए, क्योंकि जो ये जो जो लोग एलीट क्लास लोग, इन्होंने जो इसमें इन्वॉल्व किए हैं, ये लोग इस बिल्कुल डिजर्व नहीं करते एसटी के लिए, क्योंकि ये लोग लैंड लॉर्ड लोग हैं, रिच लोग हैं, और ये डिस्क्रिमिनेशन है हमारे साथ। हम लोग, हमारे बच्चे इनके साथ बिल्कुल जो है, हमारे बच्चे नहीं मुकाबला कर सकते, और ये हमारे जो गुज्जर एंड बकरवाल है, इसके हकूक पे डाका डाया जा रहा है। आपका कह रहा है कि सरकार आपको मजबूर कर रही है? सरकार ने आज हमें मंजूर कर दिया है, मजबूर कर दिया हमें, आज अपनी किताबें छोड़। ये आप इस वक्त की जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये जिला राजौरी के तकरीबन त्राली मोड़ के करीब की तस्वीरें हैं, जहाँ पे राजौरी के पीजी कॉलेज के स्टूडेंट जो है वो सड़कों के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप जो देख सकते हैं, ये कॉलेज के स्टूडेंट्स और राजौरी में जो है वो इनके लोगों के खिलाफ जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, कि सरकार के खिलाफ जो है वो नारेबाजी की जा रही है, कि जो एसटी डायलेशन को लेकर सरकार की तरफ से फैसला किया जा रहा है कि एसटी में जो है वो डायल्यूट किया जा रहा है, उसके खिलाफ जो है नारेबाजी, और पिछले 15 रोज से जो एहतजाज यानी कि पैदल चलो मार्च जो है वो चल रहा है, उसकी हमायत में ये कॉलेज के बच्चे भी जो है वो सड़क के ऊपर उतर चुके हैं। वहीं इनका ये कहना है कि सरकार ने अब जो स्टूडेंट्स हैं, जो जिनका पढ़ने का वक्त है, उनको भी सड़क के ऊपर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट लियाकत अली के साथ में हुरियाज चौधरी, एक्सपॉइंट के लिए।